हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइज, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे लाइफ ऑफ प्रीति, यानी कि प्रीति और अंकुश अग्निहोत्री के बारे में, कि उनके बीच क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है और क्यों ये लड़ाई की शुरुआत हुई है, और इस क्या सच में किसी थर्ड पर्सन ने इस लड़ाई को करवाया है या फिर उनकी कुछ आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि लाइफ ऑफ प्रीति यानी प्रीति अंकुश अग्निहोत्री से क्या चाहती है। देखिए, रिसेंटली उन्होंने अपनी एक वीडियो में स्पष्ट बोला है कि वो चाहती है कि उनको किसी के साथ भी कंपेयर ना करे एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड कौन है, ये आप अंकुश अग्निहोत्री की वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपनी जो उनकी सिस्टर है उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला है कि अपने अच्छे से ससुराल को मैनेज करती है, मैच्योर है, जॉब भी देखती है और हर एक चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती है। तो यहाँ पे स्पष्ट तो एक बात ये है कि प्रीति चाहती है कि उनको वो उनकी ननद के साथ कंपेयर ना करें, जो कि एक बहुत ही हर एक जो लेडी रहती है, हर एक वाइफ रहती है, वो यही चाहती है कि उसके हस्बैंड उसको किसी के साथ भी कंपेयर ना करे, जैसी वो है ऐसी ही उसको वो प्यार करे, एक्सेप्ट करे। जो कि मैं जानती हूँ कि एक औरत दूसरों से नहीं बल्कि अपने हस्बैंड से तो यही चाहती है कि उसको जो जैसी वो है, चाहे उसके अंदर कमी है या फिर अच्छाई है, उसी के साथ वो उसको एक्सेप्ट करे। दूसरा, प्रीति चाहती है कि जो अंकुश अग्निहोत्री है वो थोड़ा उनके लिए स्टैंड ले, क्योंकि प्रीति ने अभी अपने रिसेंटली एक वीडियो में बोला है कि उनकी सास, उनकी ननंद उसको उनको कैसे हैरस करती है, उनको कैसे गलत गलत बातें बोलती है। तो जो कि वो चाहती है कि अंकुश अग्निहोत्री वहाँ पे उनको सपोर्ट करे। और तीसरी बात यह है कि जब उनका बेबी पैदा हुआ है तो उसके बाद प्रीति ही उस बच्चे को देख रही है और वो चाहती है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, दोनों प्यार करें, दोनों उसको मिलके उसको संभालें, जो कि सब आजकल की औरतें यही चाहती है कि जो पहले का ज़माना नहीं है कि अभी सिर्फ घर पे ही रह के औरत बच्चे को देखेगी और मर्द बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी अगर जेंट्स बाहर भी जाते हैं फिर भी उनको अपने बच्चे की परवरिश में 50% देना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन थोड़ा अलग है और उनको पेरेंट्स का दोनों का प्यार मिले तो वो अच्छे से ग्रो होते हैं, अच्छे से उनका विकास होता है। तो गाइज, ये तो कुछ है, एक पॉइंट है जो प्रीति ने रखे हैं सामने अंकुश अग्निहोत्री के कि वो ये करे, तो इनके लिए वो चाहती है कि वो स्टैंड ले। और चौथी जो बात आती है कि घर तोड़ने के लिए, जैसे कि वो कहती है कि उनका घर किसी और ने तोड़ा है जिसकी वजह से टूटा है, तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि आपका घर सिर्फ आपके और आपके हस्बैंड की वजह से ही टूटता है, कोई थर्ड पर्सन उसमें नहीं तोड़ सकता है। अगर आप दोनों मजबूत हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखते हैं, एक दूसरे को आप समझते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि आपके घर को कोई तोड़ नहीं सकता है, आप ही आपके घर को तोड़ने वाले हैं और आप ही आपके घर को बनाने वाले हैं। हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि लोग उसमें इन्वॉल्व रहते तो हमें ऐसे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है, बट ऐसा होता नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि थर्ड पर्सन आपके घर में या आपकी लाइफ में तभी एंटर होता है जब आप उसको इंटरटेन करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। अगर आपके हस्बैंड आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो उसमें थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर सकता है, वो आपका और आपके हस्बैंड की बीच की बात है। तो गाइज, ये थे कुछ एक पॉइंट जो मैंने रखे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।